वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सिगड़ी में चिकन बना रही हूँ, तो आपको आज दिखाऊंगी मैं सिगड़ी में कैसे चिकन बनाती हूँ। चलो देखना। ये देखिए गाइस, आज मैं सिगड़ी में चिकन बना रही हूँ, स्पेशल चिकन। मैं एक दो बार बना चुकी हूँ। सिगड़ी में बना हुआ कुछ भी चीज़ बहुत टेस्टी लगता है और अच्छा लगता है खाने में, यम्मी यम्मी लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर किया जाए मैं कैसे बनाती हूँ चिकन। आइए दिखाती हूँ। ये मसाला है, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा सब डाल के पानी में मिक्स की हूँ, और इसको मसाला डालने के टाइम डालेंगे। और चिकन को मैं फ्राई की हूँ। ये है आधा चिकन, ये फ्राई हो रहा आधा चिकन। इसमें ये मसाला है, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, और एक पास्ता। देखिए गाइस, इसमें जीरा है, सूखा मिर्च, लौंग, इलायची, क्या बोलते हैं, गोल मिर्च डाल दिए। अब इसमें मसाला डालेंगे। अब इसको भूनने के लिए छोड़ देंगे, हल्के हल्के आँचों में चलाएंगे इसको। इसमें सभी मसाले हैं, धनिया, मिर्ची, जीरा, हल्दी, सभी को मिक्स करके पानी में फिर मसाले में डाल के अच्छे से फ्राई करना है, जब तक तेल ना छोड़े। अब इसमें 5 टमाटर काट के डालेंगे। मसाले से तेल निकल गया है, अब इसमें टमाटर डाल के थोड़े देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब देखते हैं मसाला फ्राई हो गया है क्या। हाँ, मसाला पूरी तरीके से फ्राई हो गए हैं। देखिए साइड साइड से पूरा तेल निकल रहा है, इसका मतलब मसाला पूरी तरीके से पक गया है। अब इसमें हम चिकन डालेंगे। चिकन डाल के अच्छी तरीके से उसे चलाएंगे और हल्के आँचों से उसे पकाएंगे, तब जाके चिकन बहुत टेस्टी बनेगा। देखिए मैंने डाल दिया है मसाला में चिकन। अब चलाएंगे उसको मसाले के साथ, एकदम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। फिर थोड़े देर के लिए उसे ढक के रख देंगे, फिर हल्के आँचों में उसे पकाएंगे। सिगड़ी में फिर से लकड़ी डाला जा रहा है। अब ढक्कन खोल के देखा जाए चिकन का क्या हाल है। चिकन तो लगभग हो ही गया, पक गया। हाँ, अब चिपक रहा है। आप इसमें पानी डाल के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। आप ये पूरी तरह अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। थोड़ी सी चलाने के बाद अब इसमें पानी डाल के पकने के लिए छोड़ देंगे। चलो देखा जाए चिकन पका है कि नहीं। लगभग पक गया है, पक गया है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, देख के तो एकदम मुंह में पानी आ रहा है। यम्मी बन गया।